बिना मेरे कंसर्न के आप नहीं जीत सकते हो फोटो। साले भाग साले निकाल मार चल मार इसको। आए क्यों दोबारा एक बार इनको आए क्यों जा रहा है उन्होंने मुझे बाल से खींचा, मुझे ग्रोपिंग किया, मुझे धक्का देके जूते मारे। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये भीड़ जमा क्यों है, स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? शायद आपको मालूम होगा कि पिछले 65 दिनों से जेएनयू के अंदर फीस मस्ट फॉल मूवमेंट चल रहा है, जो इलीगली फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी जेएनयू स्टूडेंट्स की। तो ये जो मूवमेंट चल रहा है उसके बिल्कुल पीसफुल मूवमेंट चल रहा है और रजिस्ट्रेशन बॉयकॉट किया जा रहा है अभी। तो जो वीसी है वो बौखला गया है क्योंकि स्टूडेंट्स की यूनिटी इतनी ज़्यादा है। जब भी ऐसा होता है, वीसी ने पहले भी किया है कि वो बौखलाने पे एबीवीपी को खुली छूट दे देता है, इस बार भी वही हुआ। कल से एबीवीपी रॉड लेकर लड़कियों को मार रहा है, हर जगह दौड़म भाग हो रही है क्योंकि वो इतना डर का माहौल कल से क्रिएट किया हुआ है कैंपस पे। और आज सुबह से हम मैसेजेस देख रहे हैं कि लोग डर रहे हैं, भाग रहे हैं, पीट रहे हैं एबीवीपी वाले आके, और कि बाहर से एबीवीपी के लोग मास्क लगाकर रॉड लेकर अंदर घुस रहे हैं, और ये भी नहीं कि मेन गेट से, पीछे वाले गेट से आ रहे हैं। तो 7 बजे कह रहा हूँ, हम बहुत पैनिक्ड मैसेजेस हमें मिलने लगे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे कि वो हॉस्टल्स के अंदर घुस गए हैं, दरवाजे तोड़ दिए हैं, हॉस्टल्स को रैनसैक कर दिया है वगैरह वगैरह। तो ये मैसेजेस देख के, और हमने देखा कि जो जेएनयूएसयू प्रेसिडेंट ऐशे घोष का बिल्कुल खून से लता हुआ चेहरा न्यूज़ में आ रहा है, तो ये सब देख कर हम यहाँ मेन गेट पर पहुँचे और हम ये रिजॉल्व करके पहुँचे कि जब तक हर एक एबीवीपी का के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल नहीं होती है और जितने बजरंगी घुसे हुए हैं कैंपस से वो बाहर नहीं निकलते हैं, तब तक हम यहाँ से नहीं लेंगे। और ये जो 6 साल से बीजेपी सरकार जेएनयू को टारगेट करती है कि क्या क्या नहीं बोलती है स्टूडेंट्स के बारे में, जो उनको बिल्कुल डीह्यूमनाइज कर देती है, तो फिर तो ये एब्जेक्ट वायलेंस होगा ही उनके अगेंस्ट, ये तो लॉजिकल है। तो उन्होंने ये माहौल क्रिएट कर दिया और वही हम आज देख रहे हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। क्या लगता है ये प्लान्ड भी था क्योंकि स्ट्रीट लाइट पहले ही बंद कर दिया गया? बिल्कुल, मैं यहाँ 9 बजे से हूँ और 9 बजे हम कुछ 15 लोग होंगे और उनके कुछ 40-50 लोग होंगे। बिल्कुल अंधेरा था, हमें आने में भी डर लग रहा था, शीशे वीशे टूटे हुए थे यहाँ पे और वो कितनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे और पुलिस खड़े होके सुन रही थी, मतलब गोली मारो सालों को और ये लड़कियाँ हैं, ये क्या क्या गाली दे रहे थे 2 घंटे तक, जब तक और लोग जमा नहीं हो गए। और जैसे ही और लोग हमारे प्रोग्रेसिव सर्कल से आ गए, सारी लाइट्स ऑन हो गई। तो ऑफकोर्स ये प्लान्ड है। हाँ, यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या, आप बता सकते हैं? देखिए, कल से ही, क्योंकि ये एक बहुत लंबा मूवमेंट चल रहा है फीस को लेके, और क्योंकि MHRD बार बार मीटिंग कर रहा है यूनियन के साथ, तो एडमिन बहुत ऐसे परेशान है क्योंकि एडमिन के हिसाब से तो यूनियन नोटिफाइड नहीं है, लेकिन सरकार की एक बहुत बड़ी बॉडी, इस एक बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है यूनियन के साथ अगर मीटिंग कर रहा है तो कहीं ना कहीं यूनियन नोटिफाई हो गई कि अथॉरिटी है यूनियन की।
तो उसी को लेके एक बॉयकॉट का कॉल था, जिसके बाद जो है सतीश जो कि जेनसेक है उनको बहुत मारा, एबीवीपी ने उनको बहुत मारा। तो कल सिर्फ कैंपस का एबीवीपी मार रहा था। इफ़ आई वॉन्ट टू टेक नेम, जैसे शिवम चौरसिया जो है, ऋत्विक राज काउंसलर है SIS का, ये सब लोग मिलके कैंपस के लोगों को मारा। लेकिन आज का इतना प्लान्ड था कि लाइट बंद की गई जिन जिन हॉस्टल्स में घुसना था। आप देखिए ये व्हाट्सएप के चैट्स निकल के आ रहे हैं कि जो कि देशद्रोहियों को मारने के लिए जो है JNU में काफ़ी दूर दूर से लोग आया, DU से बहुत सारा लोग आया, और ऐसा ऐसा लिखा जा रहा है उन चैट्स में कि VC हमारा है और वो एंट्री करा देगा ये खजान सिंह वाला जो गेट है उधर से। तो मतलब, और दिल्ली पुलिस आप ये देखिए, यहाँ लाइट क्लोज थी जब यहाँ गुंडे थे, उनको एक एक करके निकाला गया, उसके बाद लाइट ऑन किया गया है इस पूरे एरिया का, और उसके बाद पुलिस भी चुपचाप निकल लिया है। तो ये भी मतलब पुलिस की इतनी बड़ी मिली भगत है इसमें कि पुलिस प्रोटेक्शन किसके लिए है, कि स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। जब तक गुंडे थे उनकी प्रोटेक्शन में पुलिस खड़ी थी, जैसे ही गुंडे यहाँ से निकल गए हैं पुलिस भी निकल गई है। तो इतनी पूरा मिली भगत के हिसाब से आज बहुत लोगों को मारा गया है। यूनियन की प्रेसिडेंट को बहुत चोट आई है, बहुत सारे हमारे दोस्तों के कमरों में घुस घुस के मारा गया है, और कमरों को में तोड़फोड़ की है जिसमें उन्होंने लोग नहीं मिले हैं जिन कमरों में। तो एक डर फैलाने का माहौल की कोशिश की जा रही है, लेकिन आई एम वेरी होपफुल दिस मैनी पीपल हैव गैदर्ड हियर, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, एक्स JNU आई सिविल सोसाइटी के लोग। कौन कौन से हॉस्टल्स में हमला हुआ आप बता सकते हैं? देखिए जितना हमें पता है साबरमती में बहुत हमला, और पेरियार में काफ़ी, जो पेरियार का जो गार्डन एरिया है उधर काफ़ी मारा गया है, और साबरमती में तो बहुत तोड़फोड़ हुई है, उसका एक वीडियो भी आया है तो आप वो देख सकते हैं, आई कैन सेंड इट टू यू। लोगों को बाहर के लोग रॉड लाठी डंडे लेके कैंपस में घुसे हुए हैं और बहुत सारे लोगों को मारा है, बुरी तरह से मारा है। बहुत सारे लोग ट्रामा सेंटर एम्स में भर्ती हैं अभी। अभी आपने देखा होगा कुछ देर पहले तक यहाँ पे बाहर के लोग बाहर आके यहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे, गोली मारे सालों को वगैरह वगैरह। मतलब कि इस कैंपस में इस तरह से बाहरी लोगों का किस तरह से, इस कैंपस का प्रशासन क्या कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है कि बाहर के लोग, इतने सारे लोग, सैकड़ों लोग, कम से कम 200-300 लोग कैंपस में घुस के, जिस तरह से गुंडई हॉस्टल में घुस घुस के लड़कियों तक को मार रहे हैं, इस तरह से कोई रोकने वाला इनको नहीं है। दिल्ली पुलिस यहाँ पे खड़ी हुई है, उनके सामने मारा जा रहा है, दिल्ली पुलिस देख रही है, दिल्ली पुलिस उनके साथ मिली हुई है। जैसा देख के लग रहा है कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड यहाँ पे क्राइम हो रहा है, कि दिल्ली JNU को पुलिस कहते हुए यहाँ पे पकड़ी, कई लोग सुने हुए हैं कि नक्सली हैं, ये है वो है, मारो सालों को, इस तरह की दिल्ली पुलिस की भाषा है ये, और इस तरह से यहाँ के स्टूडेंट्स को मार रहे हैं लोग। हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे? आप हियर फ्रॉम द इवनिंग इटसेल्फ फ्यू टाइम बिफोर, अभी थोड़ी देर पहले लाइट आया था, बिफोर दैट देयर इज नो लाइट ओवर हियर, एंड वी आर ट्राइंग टू टेक द पीपल फ्रॉम आउट इनसाइड द कैंपस, लाइक देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल इनसाइड द कैंपस लाइक द स्टूडेंट्स एंड लेक्चर्स एंड ऑल। हम उस सबको बाहर लेके आने के लिए कह रहा था कि यह गेट भी बंद कर रखा है, उससे पहले ये तमाशा हो रहा था कि लाइट भी बंद था और बाहर से पता नहीं कौन आ रहा था, दे आर चुन चुन के मार रहा था, दे आर बीटिंग ईच एंड एवरीवन मर्सलेसली एंड वी आर हेल्पिंग देम टू हेल्पिंग इन बिटवीन द अस ओनली। और उसके बाद क्या हुआ था, नाउ द लाइट्स कम एंड मेन मीडिया कम, बिफोर दैट देयर ऑल द गोदी मीडिया इज ओवर हियर, और उन लोग हमारी बात ही नहीं सुन रहा था, दिस इज अ क्लियर फैक्ट विच इज गोइंग ऑन ओवर हियर। एंड JNU कैंपस के अंदर हमने भी इतना बड़ी गलती क्या किया है कि बच्चा यहाँ पीट रहा है और उनका फैमिली भी अंदर है, व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन इज दिल्ली गवर्नमेंट इज टेकिंग, दिस सेंट्रल गवर्नमेंट इज टेकिंग, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, एंड ही इज ऑल्सो हियर ओनली, ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। इनके साथ में कुछ लोग थे, उनको भी उठा के लेके आके मार दिया था, एंड ही नो वेल अबाउट दिस, यू कैन आस्क। What really exactly happened? Exactly हुआ, before 30 minutes पहले यहाँ पे स्ट्रीट लाइटें सब ऑफ थी, जॉब हैं यहाँ, कुछ लोग इतने पहले 25-30-35 लोग एक जैसे एक ही टाइम पर एक ही जगह कैसे आ सकते, कैसे, ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरा रीप्लान कर कर आए यहाँ पे, लोगों को चुन चुन कर मार रहे हैं उन्हें, और पुलिस के सामने सब कुछ हो रहा, पुलिस कुछ नहीं कर रहे, पुलिस बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे उन्हें देख करके, और ये सब बिल्कुल प्लैंडरी प्लान चल रहा है यहाँ पे, लोगों को मारा जा रहा है, लड़कियों को मारा जा रहा है यहाँ पे, यहाँ आप देखेंगे बॉर्डर मिल चुकी है। एक चीज आपको मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ से हमने सुना था कि आफ्टर दिस वी विल गो टू जामिया शाहीनबाग, यहाँ से हर लोग कह रहा था वी विल गो फ्रॉम हियर टू शाहीनबाग, इनको थोड़ा भड़का देते देन दे विल बी देयर, ये क्या क्या तमाशा लगा रखे इस देश। कुछ लोग ऐसे भी थे जो दे वेयर नॉट स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली
they were outsiders don't know unke un mask laga rakhe the mask laga ke andher ke andar unhe koi pehchan nahi pa raha tha wo ek ko pakde aur usi ko saar usko milkar maar rahe hain chahe usme ladki ho ladka koi nahi ho ye kuch nahi dekh raha ke male hai female hai kuch nahi dekh raha bas unhe beat karne se unhe matlab hai aur ab jaise dekho ki road par yahan par sheesh hai mere se apne yahan bottle se koi hockey stick hai badminton sabse leke jo maar rahe beat karne mein lage kitne ladkon ko kitni ladkiyon ko maar unhe abhi ambulance ke through bheja This country is not a fundamentalist country, because we believe that country is a secular country.